फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों से। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मिशन एंड गेम की। नेटो देश की सेनाओं के सामने 24 घंटे के अंदर काबुल छोड़ देने की चुनौती है, और इसके लिए हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्या रणनीति तय की गई है, ये विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी फिक्र है। अगर आतंक की विजय हो तो यह हर देश की फिक्र बनती है, लेकिन अफगानिस्तान के संक्रमण काल में अमेरिकी राष्ट्रपति की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे पूरे अमेरिका का गुस्सा भड़क उठा है। आपको आज हम बताएंगे कि अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरों ने बाइडेन को कितना कमजोर कर दिया। आज हम अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले तालिबान नेताओं में पड़ी फूट का विश्लेषण करेंगे, और आम आवाम की फूटी किस्मत की तस्वीरें भी दिखाएंगे। दुखद, लोकतंत्र से आतंकी राज में प्रवेश कर रहे एक मुल्क की इन दोनों तस्वीरों को देखना और समझना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, आज फिर हम आपको बच्चों की डबल फिक्र की ओर ले चलेंगे। आपको बताएंगे कि यूपी में कौन सी रहस्यमय बीमारी चली है जिसके शिकार मासूम हो रहे हैं, और कोरोना किस तरह अब बच्चों को संक्रमित करने लगा है, इसकी आंख खोल देने वाली रिपोर्ट प्लीज मिस मत करिएगा। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आखिरी अमेरिकी राजनायक अफगानिस्तान से रवाना हुए, यह बड़ी खबर है। अफगानिस्तान में अब अमेरिका के जवान ही बाकी बचे हुए हैं। 31 अगस्त जो है वो है डेडलाइन, लेकिन उससे पहले आखिरी अफगानिस्तान में अमेरिका के जवान ही बाकी हैं जो कि एयरपोर्ट को गार्ड कर रहे हैं। आज भी सबसे पहले फिक्र हम अफगानिस्तान की कर रहे हैं, क्योंकि बस एक दिन बाद 24 घंटे भी नहीं बाकी है, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। 31 अगस्त को रात 12 बजे से पहले अमेरिकी सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट खाली करना होगा। उधर काबुल एयरपोर्ट पर नियंत्रण के लिए तालिबान ने पूरी तैयारी कर ली है। तालिबान के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम और टॉप इंजीनियर्स हवाई अड्डे पर कब्जा करने के लिए तैयार है। तो यहां बड़ी फिक्र है कि अमेरिका का काबुल से फाइनल एग्जिट प्लान क्या है, क्योंकि आज भी काबुल एयरपोर्ट पर आतंकियों ने रॉकेट की बरसात कर दी। अमेरिकी सेना की वापसी से ठीक एक दिन पहले काबुल एयरपोर्ट को टारगेट कर आतंकियों ने 5 रॉकेट दागे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देर शाम इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अपने न्यूज के जरिए टेलीग्राम चैनल पर इसकी पुष्टि की है। इस बीच अमेरिका भी डेडलाइन यानी 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी में। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से 1200 लोगों को सुरक्षित निकाला है। अमेरिकी सैनिक 14 अगस्त से अब तक कुल 1,22,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। आज शाम 2 घंटे में यूएस आर्मी के C-17 ग्लोब मास्टर अफगान शरणार्थियों और उपकरणों के साथ काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए। मतलब अब 24 घंटे से कुछ अधिक समय का वक्त बाकी है जब काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन और निकासी अभियान खत्म हो जाएगा। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे, ऐसा कहा जा रहा है, पर पूरे पठानलैंड को तालिबान की दया पर छोड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले आज एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें नजर आई उन्हें भी देख लीजिए आप। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इन दिनों काबुल एयरपोर्ट जंग का मैदान बन गया है, अमेरिका और आतंकियों के बीच नया वॉर सेंटर बन गया है। इस बीच फिक्र बड़ी ये हो रही है कि बारूदी बारिश और विनाशक युद्ध के बीच काबुल हवाई अड्डे से अमेरिका का फाइनल रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कामयाब होगा। देखिए, आज सुबह 6:40 पर इसी कार में रखे रॉकेट लॉन्चर से काबुल एयरपोर्ट के पास 5 रॉकेट दागे गए। रॉकेट फायर करते ही कार में आग लग गई। हालांकि अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने फौरन इन रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। माना जा रहा है कि आतंकी संगठन ISISK की तरफ से अमेरिका को जवाब था, क्योंकि रविवार शाम अमेरिकी सैनिकों ने ISISK के आतंकियों पर ड्रोन अटैक किया। अमेरिका ने बयान जारी कर बताया है कि ISISK के सुसाइड बॉम्बर काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले थे। इससे पहले ड्रोन की मदद से एयर स्ट्राइक कर इस कार को उड़ा दिया गया, जिसमें इस्लामिक स्टेट खुरासान के 7 आतंकी मारे गए।
तालिबान ने भी बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की। तो ऐसे हालात में अमेरिका के सामने चुनौती बड़ी है और वक्त बहुत कम, और यहाँ फिक्र बड़ी है। महज 24 घंटे में अमेरिका काबुल से फाइनल पैकअप कैसे करेगा? काबुल से लास्ट एग्जिट के लिए यूएस का प्लान क्या है? देखिए, यूएस ड्रोन अटैक के बाद ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की आज सुबह की तस्वीरें हैं। करीब 1000 लोग अभी भी अफगानिस्तान छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर डटे हैं। इन्होंने ड्रोन अटैक के बाद दहशत में रात गुजारी और अभी भी अमेरिकी सैनिकों को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। हालांकि यूएस विदेश विभाग ने 100 देशों का साझा बयान जारी कर कहा है कि तालिबान 31 अगस्त के बाद भी अफगानों को जाने देगा, बशर्ते उनके पास जरूरी दस्तावेज हो। लेकिन अमेरिका के पास असल चुनौती महज 24 घंटे में अपने नागरिक और सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट से निकालने की है। हालांकि अमेरिका ने काबुल स्थित दूतावास खाली कर दिया है। इस वक्त हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 300 अमेरिकी नागरिक हैं। इसके अलावा हजारों यूएस आर्मी पर्सन वहां मौजूद हैं, जिनके जिम्मे एयरपोर्ट की सुरक्षा है, और अगले 24 घंटों में इन्हें काबुल एयरपोर्ट से सुरक्षित निकालने की चुनौती है। और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में किसी भी खतरे का मजबूती से और सीधा जवाब देगा। अफगानिस्तान फोर्सेस को किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए निर्देश दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के राहत प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। तो एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान की भी फिक्र दिखा रहा है, तो दूसरी ओर उसके सामने चैलेंज 24 घंटे के अंदर काबुल एयरपोर्ट छोड़ने का है। इसीलिए अमेरिका अपने सैनिकों को जल्द से जल्द काबुल से निकाल रहा है। यह तस्वीर इस्लामाबाद के हवाई अड्डे की है, जहां अमेरिकी सैन्य विमान से आर्मी पर्सनल्स को उतारा जा रहा है और उन होटलों में ठहराया जा रहा है। इस्लामाबाद के लग्जरी होटल में कुछ दिन रुकने के बाद अपने वतन जाएंगे। बताया जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाले सभी विदेशियों को होटल और 21 दिन का ट्रांजिट वीजा दे रहा है। और यह खबर सुर्खियों में है क्योंकि तालिबान प्रेम के कारण जो पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, चीन प्रेम में अमेरिका का साथ न देने की कसमें खा रहा है, वही पाकिस्तान अब अमेरिका और दूसरे देशों की मदद करता दिख रहा है। अब बात काबुल एयरपोर्ट के पास कल हुए अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक की करते हैं, जिसमें आतंकियों के साथ साथ कई बेगुनाहों की भी मौत हो गई। ये तस्वीर अफगानिस्तान के नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन मोहम्मद जन सुल्तानी की है। 25 साल के सुल्तानी 26 अगस्त को चैंपियनशिप के सर्टिफिकेट को हाथों में लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि उन्हें और उनके एयरपोर्ट के अंदर जाने में सहूलियत हो और वो सुरक्षित अफगानिस्तान से निकल जाएं। लेकिन तभी हुए आत्मघाती धमाके में मोहम्मद जन सुल्तानी की जान चली गई, जिसके बाद उनकी पत्नी, 4 साल का बेटा और 2 साल की बेटी सदमे में है। इसी तरह 30 अगस्त को जब अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास आईएसआईएस खुरासान के आतंकवादियों की कार को टारगेट कर ड्रोन स्ट्राइक की, तो उसमें भी कई बेगुनाहों का खून बहा। ड्रोन हमले में आतंकवादियों के अलावा 9 अफगानी नागरिकों की जान चली गई। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में एक ही परिवार के 9 सदस्य मारे गए, जिसमें 6 बच्चे भी हैं। यहां पर अमेरिका का दावा है कि उन्हें मिले इनपुट के आधार पर इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादियों के मंसूबों को ध्वस्त किया गया, क्योंकि आत्मघाती आतंकवादियों की गाड़ी को अगर नहीं उड़ाया जाता तो रविवार की शाम काबुल एयरपोर्ट के पास 3 दिन बाद फिर से दूसरा बड़ा हादसा हो जाता। इसलिए काबुल में ड्रोन स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने कहा कि वो काबुल में असैन्य नागरिकों के हताहत होने की खबरों से वाकिफ है और इसकी जाँच की जा रही है। लेकिन अफगान संकट का समाधान करने में जिस तरह से अमेरिका सुपर फ्लॉप रहा है और काबुल से लास्ट एग्जिट में भी उसकी नाकामयाबी दिख रही है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए आम आवाम की जान से खिलवाड़ कर रहा है। अफगानिस्तान पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लाएगा प्रस्ताव, इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे लाएगा प्रस्ताव। प्रस्ताव पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में की जाएगी वोटिंग। अफगानिस्तान पर कोई भी सदस्य दे सकता है बयान। अफगानिस्तान से बार बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो सुपर पावर की कलई खोल रही हैं।
लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पूरा अमेरिका पानी पानी हो गया। यह अफगानिस्तान में सुपर पावर की दुर्दशा की तस्वीर है, जिस एयर पावर के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में राज करता था, आज उसके छोड़े हुए हेलीकॉप्टर को तालिबानी कुछ इस अंदाज में सड़क पर दौड़ा रहे। उफ, हेलीकॉप्टर पर सड़क पर जीप से बांध कर उसे खींचा जा रहा है। जिस अमेरिकी हेलीकॉप्टर के लिए कई देश की सेना तरसती है, वो तालिबानियों के लिए महज खिलौना है। और जाहिर तौर पर इस खेल के लिए जो बाइडेन जिम्मेदार है। बंदर के हाथ में तलवार देंगे तो क्या होगा, वही हाल है कुछ। दो दशक के दौरान दुनिया के आतंक के कई खौफनाक चेहरे देखे, लेकिन काबुल में हुए धमाकों से पूरी दुनिया में गम और गुस्सा, खासतौर से पूरे अमेरिका उबल रहा है। जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला, जिस तरह काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 13 अमेरिकी कमांडो मारे गए और जो बाइडेन ने फैसले लिए, आम अमेरिकी नागरिक को लग रहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद की जीत हुई है और इसी वजह से बाइडेन की लोकप्रियता तेजी से गिरी है। एक नेशनल ओपिनियन पोल में सिर्फ 46% अमेरिकी बाइडेन के काम से संतुष्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग में 7% गिरावट आई। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने ही देश में जनवरी के बाद लोकप्रियता में सबसे नीचे पहुंच गए हैं। लेकिन जो बाइडेन का असेसमेंट यह है कि चुनाव अभी देर से होने वाले हैं, ऐसे में दो ही फैक्टर काम करने वाले हैं, एक इकॉनमी, दूसरा कोरोना। उनका फोकस वापस उस पर शिफ्ट करेगा। लेकिन अमेरिका एक बड़ा ही ग्लोबलाइज नेशन है, वहां के लोग दुनिया के ऊपर टिप्पणी रखते हैं, शायद इसको मिसक्यू करते जा रहे हैं जो बाइडेन। अफगानिस्तान संकट की वजह से जो बाइडेन की साख पर संकट आ गया है, लेकिन यह संकट क्यों आया इसे एक तस्वीर से समझिए, ध्यान से देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की नई तस्वीर सामने आने के बाद पूरे अमेरिका में उनको लेकर नाराजगी है, इसलिए हम आपको बताएंगे कि इस तस्वीर ने बाइडेन और अमेरिका को क्यों कमजोर बना दिया है। हम इस तस्वीर को डिकोड करेंगे। आज हम आपको अमेरिका के जो 13 सैनिक शहीद हुए उनमें से कुछ के परिवार वालों की नाराजगी सुनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को देखें आप। डोवर एयरपोर्ट बेस पर रिकॉर्ड हुआ प्रेसिडेंट बाइडेन का यह वीडियो अमेरिकियों के गुस्से की वजह बन गया है। चंद सेकंड के इस वीडियो पर अमेरिकी उबल रहे हैं और इसकी वजह ही कुछ ऐसी है। ये वो वक्त था जब अमेरिकी झंडे में लिपटे 13 अमेरिकी मरीन कमांडोज को आखिरी विदाई दी जा रही थी। काबुल से लाए गए पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान देने की रस्में चल रही थी। गम की इस घड़ी में भी प्रेसिडेंट बाइडेन बेचैन थे। उनकी नजर घड़ी पर थी, उन्हें फिक्र खुद की थी और ऐसा लग रहा था जैसे जबरन प्रेसिडेंट बाइडेन रस्म अदायगी की औपचारिकता निभाने पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, एक तरफ बाइडेन का दायां हाथ दिल पर है, सिर झुका हुआ है, सब मौन है, मातमी धुन बज रही है। लेकिन जैसे ही सबका सिर उठा, सबसे पहले बाइडेन की नजर अपनी कलाई घड़ी पर गई, मानो उन्हें वक्त की फिक्र सता रही थी। यकीन नहीं होता जिस तस्वीर को पूरा अमेरिका नम आंखों से देख रहा था, जिस तस्वीर को देखकर वहां मौजूद शहीद फौजियों के परिवार वाले भावुक हो रहे थे। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और तमाम बड़े अफसर गमजदा थे। ये दुख की घड़ी थी, लेकिन बाइडेन को अपने घड़ी की पड़ी थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब तो अमेरिकी वॉर वेटरन तक पूछ रहे हैं कि क्या बाइडेन को इससे भी जरूरी कोई काम था, क्या प्रेसिडेंट के लिए इससे भी अहम कोई कार्यक्रम था। जिन जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सम्मान में बाइडेन कुछ वक्त तक देने को तैयार नहीं थे। इस तस्वीर को देखकर एक बार फिर अमेरिकी हैरान है, अफसोस में है। उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा और इज्जत मिट्टी में मिल गई। महज 7 महीने पहले राष्ट्रपति बने बाइडेन लोकप्रियता के शिखर पर थे, लेकिन आज वक्त पलट गया है। तालिबान में अमेरिका की किरकिरी और अमेरिकी सैनिकों की मौत ने अमेरिका को अंदर से दहला दिया है। बाइडेन के खिलाफ भारी गुस्सा दिख रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा वॉर वेटरन और फौजियों के परिवारों में है। डोवर एयरफोर्स बेस पर तो शहीद की मां ने प्रेसिडेंट बाइडेन को भी नहीं बख्शा, उन्हें खरी खोटी सुना दी। एक शहीद की मां ने बाइडेन को बेकार, भूलने की बीमारी से ग्रस्त बकवास का टुकड़ा तक कहा।
शहीद सैनिक की मां का गुस्सा उस वक्त निकला था जब एयरफोर्स बेस पहुंचने से पहले फर्स्ट फैमिली के मारे गए तमाम सैनिकों के परिवारों से अकेले में मुलाकात की थी और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। एयरबेस पर मौजूद 11 सैनिकों के परिवारों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने मीडिया को शव देखने की मंजूरी तो दी लेकिन फोटो तक नहीं लेने दी। वहीं दो परिवार ऐसे थे जिन्होंने मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा। लोग जो बाइडेन को कंपेयर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। फैसला डोनाल्ड ट्रंप का था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो बाइडेन को करना था। सवाल खड़ा यह होता है कि सरकार बनने के बाद इवैक्यूएट करना चाहिए था या उससे पहले। सोचने वाली बात है। अब आपको बता दें कि अमेरिकी लोगों का गुस्सा बाइडेन पर कैसे फूट रहा है। काबुल आत्मघाती हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिक करीम निकोई के पिता स्टीव निकोई का कहना है, मैं तो अपने ही नेताओं को दोष दूंगा, राष्ट्रपति बाइडेन ही इसके लिए जवाब दें, अकाउंटेबिलिटी उनकी है। काबुल आत्मघाती हमले में मारे गए एक और कमांडो के पिता ने कहा है कि अगर बेटा दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो गर्व होता है लेकिन वहां तो अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की लापरवाही से हमला हो गया। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट शेलर ने तो एक फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रेसिडेंट बाइडेन पर निशाना साधा। उन्होंने अपने वीडियो में अमेरिका के लीडरशिप को लताड़ा है। That service member has always rose to the occasion, done extraordinary things. People are upset because their senior leaders let them down, and none of them are raising their hands and accepting accountability or saying we messed this up. Lieutenant Colonel Stuart Scheller को इस बयान की कीमत चुकानी पड़ी। Scheller को सेना से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है, और इस आक्रोश के लिए खुद बाइडेन जिम्मेदार। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की उड़ानों पर रोक लगा दी। काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट पर तालिबान का कब्जा। तालिबान ने एयरपोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट पर तालिबान का कब्जा है। उड़ानों पर तालिबान ने एयरपोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम दे रखा था। अब हम अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले ही तालिबान नेताओं में पड़ी फूट का विश्लेषण करेंगे। अफगानिस्तान पर राज कौन करेगा, इसको लेकर तालिबान में आंतरिक संघर्ष जारी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक लेख में होली मैके ने इसकी पुष्टि की है। मैके ने दावा किया है कि जमीन पर स्थिति बदतर होती जा रही है, तालिबान और अधिक बढ़ता जा रहा है, अलग अलग गुट पहले ही अपनी बैठकें कर रहे हैं, सत्ता को लेकर बड़े विवाद हैं, अलग अलग जातियां जनजातियां सभी सत्ता चाहती हैं, ये तालिबान के लिए बड़ा धक्का है, तालिबान में एकता की कमी है। न्यूयॉर्क पोस्ट को यह जानकारी एक अफगान इंटेल इनसाइडर ने दी है। अगर यह सच है तो आने वाले वक्त में तालिबान में फूट का खामियाजा पूरे अफगानिस्तान को चुकाना पड़ेगा। हालांकि आम आवाम अपनी फूटी किस्मत को कोस रही है। लोकतंत्र से आतंकी राज में प्रवेश कर रहे एक मुल्क की इन तस्वीरों को देखना और समझना दोनों बहुत आवश्यक है। अफगानिस्तान में हर बीते पल के साथ उम्मीदों का दायरा कम होता जा रहा है। वहां भूख है, प्यास है, महंगाई है और कैश संकट है। लोग पाई पाई के लिए मोहताज हैं, इसलिए भागम भाग मची है। बैंकों के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। लोग भूखे प्यासे घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। बैंकों में कैश खत्म हो चुका है और ये हाल हर सरकारी और निजी बैंक का है। तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन अब ये संकट और गहरा गया है। अफगानिस्तान के बड़े बैंकों में से एक न्यू काबुल बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को तो वेतन तक नहीं मिल पा रहा। इनका दावा है कि उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। यही हाल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का है। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है लेकिन उन्हें अपने वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में कैश संकट से लोग और भी परेशान हैं। खबर यह भी है कि भले ही बैंक खुल गए हैं लेकिन कोई भी कैश निकालने में सक्षम नहीं है। एटीएम मशीनें काम कर रही हैं लेकिन 24 घंटे में $200 तक ही निकालने की इजाजत है। साफ है कि लोगों के खातों में पैसे तो हैं पर वो निकाल नहीं पा रहे। यही वजह है कि बैंक के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। बैंकों में कैश की ये समस्या अफगान सेंट्रल बैंक के कारण आ रही है। अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक 15 अगस्त से ही बंद है। इस सब का असर खाने पीने की चीजों पर दिख रहा है।
राजधानी काबुल में महंगाई सातवें आसमान पर है। हालात ये हैं कि पानी की एक बोतल $40 यानी करीब ₹3,000 और एक प्लेट चावल $100 यानी करीब ₹7,500 में बिक रहा है। परेशानी की बात यह भी है कि खाने पीने की चीजों का दाम लोगों से अफगानी करेंसी में नहीं लिया जा रहा, इसके लिए उन्हें डॉलर ही देने पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि महंगाई के चलते हर 3 में से एक अफगानी यानी करीब 1.5 करोड़ आबादी भूखी है। इन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान अब भुखमरी की चपेट में आ रहा है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो लाखों लोग भूख से मरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जो लोग इस मुगालते में हैं कि 20 साल बाद तालिबान सुधर गया है, उन्हें अपने विचार बदल लेने चाहिए। तालिबान ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि उसके संविधान में संगीत की मनाही जरूर है, लेकिन वो लोगों को इसके लिए मना लेगा, यानी किसी भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन ये दावे खोखले और खतरनाक साबित हुए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। काबुल से 100 किलोमीटर दूर अंतराब घाटी में अफगानिस्तान के लोक गायक फवाद अंदराबी की हत्या कर दी गई। तालिबान ने बेहद क्रूरता से अंदराबी को गोली मार दी, क्योंकि तालिबान के संविधान में संगीत की मनाही है। फवाद के बेटे जवाद ने बताया कि तालिबानी पहले उनके घर और तलाशी ली, उन्हें खींचकर बाहर ले गए और सिर में गोली मार दी। जवाद का कहना है कि उनके पिता एक गायक थे और वो लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, इसके बावजूद तालिबानियों ने उन्हें मार डाला। फवाद के बेटे ने कहा कि वो न्याय चाहते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री मसूद अंदराबी ने ट्वीट करके बताया, अंदराब में तालिबान की क्रूरता जारी है, उन्होंने बड़ी बेरहमी से एक लोक गायक को मार डाला। फवाद अंदराबी इस घाटी में खुशियां लाने का काम कर रहे थे। दरअसल पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक इंटरव्यू में तालिबान ने साफ कहा था कि इस्लाम में संगीत की मनाही है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा था कि उनका संगठन उम्मीद करता है कि वो लोगों को संगीत से दूर रहने के लिए राजी कर लेगा। यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि तालिबान ने अपने पिछले शासन में संगीत पर रोक लगा दी थी। मीडिया के अलग अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि तालिबान राज में कैसेट्स बर्बाद कर दिए गए थे, किसी भी वाद्य यंत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि गाने वाली चिड़िया की एक प्रजाति को भी अवैध घोषित कर दिया गया था। तालिबान इस बार दावा कर रहा है कि वो लोगों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। कहने को तालिबान ने यह भी कहा कि वो लोक गायक फवाद अंदराबी के हत्यारे को दंडित करेगा। लेकिन याद कीजिए कि वही तालिबान जो कहता है कि हमारे लोग अभी महिलाओं के साथ ठीक से बर्ताव करने के लिए प्रशिक्षित नहीं, और जब तक वो इस काम में कुशल नहीं हो जाते तब तक महिलाएं सोच समझ कर बाहर निकले, यानी कोई उम्मीद नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत नहीं। तालिबान के राज में जो पसंद नहीं आए उसकी हत्या कर दी। 4 अगस्त को कवि और इतिहासकार अब्दुल्ला आतिफी की हत्या हो, 22 जुलाई को कॉमेडियन नसर मोहम्मद की हत्या हो, 16 जुलाई को तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को भी मार डाला था, आखिर इस तालिबान पर भरोसा करें तो कैसे? तालिबान पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना भरोसा आग पर कर सकते हैं कि वो नहीं जलाएगी। आधुनिक और तरक्की पसंद समाज में मौलिक अधिकारों की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तालिबान इस बात को जितना जल्दी समझ ले अच्छा है। काबुल एयर स्ट्राइक को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान आया है। एयर स्ट्राइक को लेकर तालिबान के संपर्क में है पेंटागन, हताहत नागरिकों की जानकारी ले रहे हैं। पेंटागन ने कहा घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब फिक्र बच्चों की, जिन पर एक रहस्यमय बुखार का कहर बनकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं, 6 जिलों में रहस्यमय बुखार से बच्चे न सिर्फ बीमार पड़ रहे हैं बल्कि दम भी तोड़ रहे हैं। फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज में ज्यादा प्रकोप है। उत्तर प्रदेश में अब तक 40 बच्चों की मौत हो गई। रहस्यमय बुखार ने सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में 36 बच्चों की जान ली। आज सुबह के सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे, अस्पताल में बढ़ती बच्चों का हाल जाना। ये वायरल फीवर किस वायरस की वजह से हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए सैंपल्स को KGMU और पुणे NIV भेजा जाएगा।
ताकि बच्चों का इलाज करने में मदद मिले और उनकी जान बचाई जा सके। गोद में मासूम को उठाए बदहवास से इस महिला को देखिए। ये उन बदनसीब माओ में है जिसके 7 महीने के बच्चे को रहस्यमयी बुखार ने जकड़ लिया था। जैसे तैसे अपने बच्चे को लेकर ये माँ अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर भी मिल गए, लेकिन तब तक वहां देर हो चुकी थी। बच्चा अभी हमारे पास आया था, छोटा था, वो ब्रॉड डेड था। ऐसे ही न जाने कितनी माओ की कोख उछड़ गई। सिर्फ फिरोजाबाद नहीं बल्कि आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज में एक के बाद एक मासूमों की जान जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हालात फिरोजाबाद में बिगड़े हुए। हर बेड पर जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको बच्चे बेड पर लेटे हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। ये देखिए, जिस भी रूम में आप जाएंगे, प्राइवेट रूम है, यहाँ पर भी बच्चे एडमिट हैं और सभी बच्चों को एक ही शिकायत है कि तेज बुखार उनको आया और उसके बाद डायरिया की शिकायत इनके अंदर देखी गई है। ठीक इसी तरीके से देखिए, इस रूम के अंदर भी बच्चे एडमिट हैं। क्या हुआ है बच्चे को, कब से एडमिट है? 4 दिन हो गए इसको, फीवर है। कब से बुखार है? इसको 3रा दिन है आज। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कुछ नहीं, अभी अच्छी तरह इलाज कर रहे हैं। दो बच्चे हैं मेरे, इसके नाक में से ब्लड आया था। मेरी भगदौड़ी करी, मेरी बच्ची की बहुत हालत खराब थी। अब तबीयत कैसी है? पहले से अब थोड़ा आराम है। आज मुझे 6-7 दिन हो गए यहीं पे डले हुए। डॉक्टर इसे रहस्यमयी और सामान्य वायरल से अलग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक बार बुखार आने के बाद ये बढ़ता ही जाता है। सामान्य वायरल 5 दिनों में सही हो जाता है, लेकिन ये 10 से 12 दिन बाद कम होना शुरू हो रहा है। इसलिए रिकवरी का समय ज्यादा लगने के कारण अस्पतालों में ज्यादा दिन भर्ती रखना पड़ रहा है और इसलिए अस्पतालों में बेड फुल होने लगे हैं। चलो, बच्चों में किस तरीके के देखे जा रहे हैं इस वायरल को? बच्चों में एक तो बुखार आ रहा है, उसके बाद आंखों में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है और पेट में दर्द बता रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, एक आध बच्चे हैं जिनमें थोड़ा होंठ वगैरह में ब्लीडिंग हुआ है। और ये फीवर कहाँ तक, कितना पहुँच रहा है? लगभग 102 तक जा ही रहा है बुखार। तो कुछ समझ आया मैम अभी तक क्या वजह हो सकती है? क्या ये डेंगू है या कुछ और ही वायरल है? देखिए, और वायरल भी है, डेंगू का तो हम लोग टेस्ट करा ही रहे हैं। कई बार रहस्यमय बीमारियां होती हैं लेकिन बहुत तेजी से सैंपलिंग से ये पता लगता है कि उसकी वजह क्या है। तेजी से सैंपलिंग कराना, जांच कराना सब ज्यादा जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को अस्पताल लाने या डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी देरी ना करें क्योंकि इस वायरल बीमारी में लोगों को डिहाइड्रेशन से भी मौत हो रही है। डॉक्टरों की माने तो तेज बुखार के कारण ही डिहाइड्रेशन हो रहा है। अधिकांश जो बच्चे जिनकी मृत्यु हो रही है उनके शरीर में पानी की कमी है। इसके अलावा प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं, इलाज के दौरान प्लेटलेट नहीं बढ़ पा रहे हैं और मरीज दम तोड़ रहे हैं। कोरोना काल में बच्चों पर डबल डेंजर मंडरा रहा है। कोरोना के डर के बीच रहस्यमय बुखार ने लोगों की फिक्र बढ़ा दी है। बच्चों के माता पिता के डर को स्कूल ने और बढ़ा दिया है। कई राज्यों में बड़ी कक्षाओं के स्कूल खुल चुके हैं और अब तो छोटी कक्षाओं के स्कूल भी खुलने वाले हैं। माँ बाप इस दुविधा में है कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, यहाँ 1 सितंबर से 1ली से 5वीं क्लास के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। राजस्थान में भी 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। तमिलनाडु में भी 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह देश के बाकी हिस्सों में स्कूल खुलने के बाद बच्चों के जो संक्रमित होने के मामले आए हैं, उसके बाद अब ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने में हिचक रहे हैं और उनकी इस हिचक को, डर को अमेरिका में बच्चों पर कोरोना के अटैक की खबरों ने और आंकड़ों ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। अमेरिका में बीते 1 हफ्ते में 1,80,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से ज़्यादातर बच्चों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है, कई बच्चे तो वेंटिलेटर पर चले गए थे। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में हर 1,00,000 बच्चों में 6100 बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना काल में देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है धूमधाम से। मथुरा से लेकर देश के कोने कोने में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या आम क्या खास, हर कोई जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे
कृष्ण जन्म स्थान स्थित भगवान भागवत भवन में पूजा अर्चना की, ब्रज के विकास का संकल्प दोहराया और विरोधियों पर निशाना कसा था। आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए, अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं व्यक्त होनी चाहिए, लेकिन लोग डरते थे। एक तरफा चलता था, हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी, पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद अब ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है, अब तो हर्षोल्लास के साथ अब पर्व चाहिए। देश में आज एक तरफ तो जन्माष्टमी की धूम थी, दूसरी तरफ टोक्यो में भारतीय पैरालंपिक एथलीटों ने धूम मचा रखी। सोमवार की सुबह सिर्फ 2 घंटे के भीतर भारत के खाते में 4 मेडल आए। शाम होते होते भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला, इसमें अवनी लेखरा और सुमित अंतिल के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल शामिल। सोमवार को भारतीय दल ने निशानेबाजी से लेकर भाला चलाने तक में अपना परचम लहराया। टोक्यो ओलंपिक के 6वें दिन भारत ने 5 मेडल पर कब्जा किया, इनमें 4 मेडल भारत ने सोमवार की सुबह सिर्फ 2 घंटे में हासिल किए। भारत ने महिलाओं की निशानेबाजी में गोल्ड जीत दर्ज की। भारत की महिला निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाते हुए देश के लिए सुनहरी जीत दर्ज की। ये अवनी का पहला पैरालंपिक्स था और उन्होंने पहले ही मौके पर इतिहास कायम कर दिया। योगेश काथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल में भारत के लिए सिल्वर जीता। योगेश ने 44.38 मीटर का थ्रो किया। भारत को एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल पुरुषों के जैवलिन थ्रो में मिला। रियो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया ने 64.35 मीटर की दूरी तक भाला फेंकते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर तक भाला फेंक कर ब्रॉन्ज जीता। इसके बाद शाम होते होते टोक्यो से और खुशखबरी आई। इस बार मेंस जेवलिन थ्रो में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली। भारत के सुमित कुमार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय दल का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन हो गया है। दिल्ली में एक लेक्चर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन के साथ सीमा विवाद का बातचीत से समाधान चाहता है भारत, लेकिन नहीं होने देंगे एक तरफा कार्रवाई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी बचा कुचा आतंकवाद खत्म होकर ही रहेगा। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, आकाश मिसाइल और ALH हेलीकॉप्टर खरीदेगी सेना। रक्षा मंत्रालय को भेजा 1400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुंछ में जवानों की ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया, एक आतंकी को ढेर किया। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल बरामद। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का मांगा इस्तीफा, किसानों को भड़काने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा आगजनी को लेकर CBI का जांच तेज। कोलकाता में टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से की बात। CBI की दूसरी टीम बीरभूम के उत्तर नारायण गांव पहुंची। अब तक दर्ज हो चुकी है 2 दर्जन से भी ज्यादा FIR। उत्तराखंड में दिखा कुदरत का प्रलयंकारी रूप। धारचूला में बादल फटने से भारी तबाही, 3 लोगों की मौत, 7 लापता। पिथौरागढ़ में जुम्मा गांव में भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की मौत। सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने एक नया एजुकेशन लोन लॉन्च किया है, जिसका नाम है SBI ग्लोबल एडवांटेज। इस स्कीम में विदेश में पढ़ाई के लिए छात्र 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। छात्र जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे वो कोर्स पूरा होने के 6 महीने बाद से लोन का रीपेमेंट किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों के लिए राहत की खबर का ऐलान किया है। अब वाहन चालकों को अपने साथ वाहन के कागजात या ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या एम परिवहन मोबाइल ऐप पर अपनी सभी जानकारी अपडेट रखनी होगी। किसी भी चेकिंग में वाहन चालक मोबाइल फोन में स्टोर किए गए दस्तावेज दिखा सकता है जो कि पूरी तरह से मान्य होंगे। कोरोना काल में देश में जॉब करने वालों पर मुसीबत आ गई थी, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई। इस चिंता को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम फैसला लिया है। जिन लोगों की नौकरियां कोरोना काल में गई हैं, उन लोगों के पीएफ अकाउंट में 2022 तक सरकार पीएफ जमा करेगी। और अब जो है सो है। यूएस ठोकने में लगा है। अफगानिस्तान से मैदान छोड़ने के बाद इज्जत इतनी ठोकर खा गई कि अब जहां तहां ड्रोन से बची खुची इज्जत बचा रहा है। तालिबान को ठिकाने लगाने गया था, आईएसआईएस के को ढूंढने मारने में लगा हुआ है। अब उसके शिकार कभी किसी ऑटो में मिलते हैं, कभी किसी गाड़ी में लॉन्चर्स के साथ। वैसे इस समय वो इस नाम पर कहीं भी बम गिरा सकता है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को ऐसा बना दिया है कि हर जगह रॉकेट बंदूक वाले मिल जाएंगे। तालिबानी लड़ाकों के अलावा बाकियों से बंदूकें जमा करने के लिए इसलिए कह दिया गया है कि कहीं किसी को मारकर ये ना कहे मैंने तो समझा था ये आईएसआईएसके का है, मुझे क्या पता ये तालिबानी। इधर जो बाइडेन कह रहे हैं कि हमने सबका ठेका नहीं ले रखा, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ो, आतंकवाद सबका दुश्मन है। बात तो सही है, लेकिन अमेरिका पहले कौन सा परोपकार के लिए गया था? 9/11 ना हुआ होता तो अमेरिका तो गुड और बैड टेररिज्म पर भरोसा करता था। और हाँ, कहावत है कि सांप को या तो छेड़ो मत या फिर छोड़ो मत। ये दूसरों का ठेका नहीं लिया वाली बुद्धि आने में 20 साल क्यों लग गए? मारने गए थे एक सांप और बिल से बाहर निकाल आए ढेरों। ज्यादा सयाना होना भी खतरनाक होता है। ना तो जुलाई से कुंजी लेकर पढ़ना ठीक है और ना ही एग्जाम आने पर पूरी बुक खोल के पढ़ने की, नोट्स बनाने की सोच। बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।